आदरणीय मुकेश जी, कहानियों के सफर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि कहानियों को जिस रोचक तरीके से, जिस मैसेज के साथ आप हमेशा हम तक लेके आते हैं, उससे एक बात तो तय है कि हर कहानी को सुनने के बाद अगली कहानी का हम बेताबी से इंतज़ार करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इल्तजा हमारी तरफ से भी कि एक कहानी विज्ञान से जुड़ी हुई अगर हो तो सोने पे सुहागा, और हम इस तरह से जनमानस तक विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए कहानी से बड़ा सशक्त माध्यम जैसे हो नहीं सकता है, अगर वो हम कहानी के माध्यम से और खासकर आपके इस सफ़र के ज़रिए करें तो मज़ा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस इल्तजा को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और हम तक विज्ञान से जुड़ी एक कहानी लेकर ज़रूर आएंगे। मैं पूरे भारतवर्ष के विज्ञान संचारकों की तरफ से आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहानी के माध्यम से हर मैसेज को बड़े सशक्त तरीके से हम लोगों तक पहुँचाया है, वो काबिले तारीफ है और अनुकरणीय है। स्वागत है आपका स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर। आज की कहानी समर्पित है विज्ञान प्रसार को, जो इस वर्ष स्वतंत्रता का विज्ञान फिल्मोत्सव मना रहे हैं। कहानी की नायिका हैं कमला सोहनी। ऐसा माना जाता है कि ये वो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें पीएचडी से नवाजा गया था और साथ ही साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग भी लिया था। इस कहानी का स्रोत अमर चित्रकथा है और इसे कहानी की दृष्टि से ही सुना जाए। कमला सोनी का जन्म प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था और उन्हें अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया गया था। यह उस दौर में बड़ी बात थी क्योंकि महिलाओं को ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं समझा जाता था। 1933 में कमला सोनी ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और भौतिकी यानी फिजिक्स में बीएससी की परीक्षा में टॉप किया, जिसके बाद उन्हें एक रिसर्च फेलोशिप के लिए बेंगलोर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आवेदन किया। और फिर यहीं से जेंडर की कड़वी हकीकत उनके चेहरे पर एक तमाचे की तरह आ लगी। इंस्टीट्यूट के निदेशक ने उनके आवेदन को केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया कि वो एक महिला थी, लेकिन अगर निदेशक कमला को प्रवेश न देने पर अडिग थे तो कमला उसे पाने के लिए भी उतनी ही दृढ़ थी। कई दिनों तक वह उनके कार्यालय के बाहर तब तक बैठी रही जब तक कि निदेशक स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हो गए। लेकिन निदेशक की कुछ शर्तें थी। कमला को एक वर्ष के लिए प्रोबेशन पर रखना होगा, वे केवल रात में ही काम कर सकेंगी ताकि परिसर का माहौल एक महिला के होने से बिगड़े नहीं, और अंत में कमला को अपना आचरण सम्मानपूर्वक रखना होगा। अपमानित लेकिन बिना किसी विकल्प के कमला को सहमत होना पड़ा। उन्होंने एमएससी डिस्टिंक्शन के साथ पास किया और फिर बहुत जल्दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अन्य विज्ञान संस्थानों के द्वार महिलाओं के लिए खोल दिए गए, मानो एक शांत क्रांति हुई थी। फिर कमला ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर यूके में पढ़ाई की, जहां उन्होंने पौधों में साइटोक्रोम सी नाम की प्रोटीन की खोज की जो पौधों को सांस लेने में मदद करती थी। कमला की यह खोज उन्हें डॉक्टरेट प्राप्त करने में सहायक हुई और वो पीएचडी से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। कमला अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए वापस आ गई। 1947 में शादी के बाद वो बॉम्बे में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शामिल हो गई। यहां वे गरीबों के आहार में सुधार करने का तरीका खोजने पर काम कर रही थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर उन्होंने नीरा, ताड़ के पेड़ से जो रस निकलता है, उसके पोषण लाभों का अध्ययन शुरू किया और पाया कि इसमें आयरन और विटामिन ए और विटामिन सी की महत्वपूर्ण मात्रा थी। उन्होंने एक रास्ता खोजा कुपोषित लोगों के आहार में इसे शामिल करने का। इस खोज के लिए कमला को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। उन्होंने उस समय इतिहास रच दिया जब वो बॉम्बे में विज्ञान संस्थान की निदेशक बनी। इस तरह से एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान की अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला थी। हाँ, कहां तो उन्हें बेंगलोर में एडमिशन नहीं मिल रहा था। 1998 में उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में कमला गिर गई और कुछ दिनों के बाद उनका निधन हो गया। इस प्रकार एक ऐसे जीवन का अंत हुआ जिसने चुपचाप समाज के मानदंडों को चुनौती दी और भारत की जनता के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया। कहानी खत्म। हाँ,
क्या सबक सीखा हमने इस कहानी से? यही कि जब बाधाएं आती हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी दिशा बदलती हैं, अब वहां पहुंचने के लिए अपना निर्णय नहीं बदलते हैं। बाधाओं को आपको रोकना नहीं है। यदि आप एक दीवार से टकराते हैं तो मुड़े नहीं और हार न माने, पता लगाएं इसे कैसे चढ़ना है, इसके माध्यम से जाना है या इसके आसपास काम करना है। इस दुनिया में कुछ भी दृढ़ता की जगह नहीं ले सकता है। दृढ़ता और संकल्प अकेले ही सर्वशक्तिमान है। अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक नई सीख, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।